हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि है आज संडे, तो आज क्या होने वाला है? आज रमज़ान बनाने वाले स्पेशल डिश क्या बनाने वाले हैं ये मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी, ठीक है। और क्या प्लान है आज? कुछ प्लान तो नहीं है। आज है मैच, हम देखेंगे मैच, क्योंकि टेस्ट मैच चालू, तो वो देखेंगे बैठ के प्रिपेयर को। और शाम को फिर विनय वापस पुणे जाने वाला है, तो देखते हैं क्या क्या सीन है। चलो थोड़ी देर में, मेरी आंटी आई नहीं अभी तक, एज यूजुअल लेट हो गया है। सैटरडे संडे वो लेट ही आती है, ठीक है। तो जैसे ही आंटी आएगी, काम ख़त्म करेगी, तो खाने की शुरुआत करूँगी। रमज़ान क्या बनाने वाले हैं वो भी आपको जल्दी बताऊँगी। चलिए बनी रही है मेरे साथ। इसे देखो, आंटी के साथ मटर साफ करा लिए। क्या कर रही हो? ओ चिकू, काम करा रही हो आंटी के साथ में? और मेरे बेटा कितना मेहनत कर रहे हैं। आंटी को बोला लेट मत आओ, मेरी बच्ची को काम करना पड़ रहा है। मटर साफ कर रही मेरी बेटी। अरे मेरा बच्चा कितना काम करेगा, क्या क्या करेगा, नाजुक छी। करो करो काम, करो काम। हे गाइस, मैं नहा चुकी हूँ, तो चलो अभी हम बनाएंगे लंच। हम मतलब रमज़ान क्या बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं चंपारण चिकन, ठीक है। जैसे कि सुबह मैंने बताया था कि आज रमज़ान खाना बनाने वाले क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं चंपारण चिकन, ठीक है। मैंने बड़ोदरा वाले ब्लॉक में, याद है मैं जब बड़ोदरा गई थी आने के टाइम, सूरत में मैंने रुकी थी, वहाँ से मैंने आने के टाइम एक मिट्टी की कढ़ाई ली थी, चीनी मिट्टी का बर्तन, ठीक है। आज हम उसमें बनाने वाले चंपारण चिकन। चंपारण चिकन ये है बिहार की है, ठीक है। ये हमने लाए थे सी फूड से फर्स्ट टाइम बना के, ये मैंने अपने पहले ब्लॉग में बताया था आपको, पर हम बना के लेके आए थे टेस्ट करने के लिए। बहुत ही अमेजिंग, आज वही स्टाइल में आज रमज़ान बनाने वाले हैं, है ना रमज़ान? यो, तो रमज़ान बहुत खुश है, क्योंकि मेन तो उनको बनाने किसमें मिल रहा है पता है? ये जो मैं लाई थी सूरत से, तो वो बहुत खुश है कि मैं इसमें बनाऊंगा चंपारण चिकन। तो चलो क्या क्या तैयारी की है रमज़ान ने बताती हूँ मैं। चलिए बनी रही है मेरे साथ। मैं ऊपर चढ़ के बैठ गई हूँ किचन के, आराम से चौकड़ी मार के, ठीक है। क्योंकि रमज़ान खाना बना रहे हैं, तो आपको मेरे को उसका रेसिपी बताना पड़ेगा, क्या क्या डाल रहे हैं उसके अंदर, क्या क्या आने ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बताती हूँ आपको। कढ़ाई अभी इन्होंने गैस पर चढ़ा दी है, ठीक है। तो रेसिपी आपको एक एक करके स्टेप करके बताऊँगी क्या क्या डालना है उसके अंदर, ठीक है। चलिए, रमज़ान ने ले लिया है सूखी मिर्ची है 5 से 6, लहसुन है, कड़ी पत्ता है, ऑनियन लिया है 2, और इसमें अक्खी मिर्ची हम डालेंगे, इसको कट नहीं करेंगे, ऐसे ही डाल देंगे, ठीक है। कढ़ाई रमज़ान ने चढ़ा दी है, इसमें हम ऐड करेंगे सरसों का तेल, है ना, सरसों के तेल में बनता है ये। तो मैं तो ऊपर चढ़ के बैठी हूँ आराम से, क्योंकि मुझे काम तो है नहीं, खाना बना रही है, सरसों का तेल डाल दे। मैं किधर बैठी हूँ किचन के ऊपर चढ़ के, ये बना रहे रमज़ान। इन्होंने पहले ऐड किया ऑयल, इसमें तेल ज़्यादा पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, चंपारण चिकन में। अभी इन्होंने डाली तेल में सूखी लाल मिर्ची, अभी इसमें ऐड कर देंगे अखा लहसुन और करी पत्ता। एक्चुअली मिट्टी के बर्तन में बहुत यमी बनता है ये, ठीक है। रेसिपी हमने जब सी फूड लाए थे फर्स्ट टाइम, तो काफ़ी टेस्टी था ये। अभी इसमें कांदा ऐड कर दिया और हरी मिर्ची, हरी मिर्ची को हमने बीच में से काटा नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिया है, ठीक है। इसको ज़्यादा भूनना नहीं है कांदे को, ठीक है, ब्राउन नहीं करना है, बस ये अच्छे से गर्म हो जाए कढ़ाई भी, क्योंकि कढ़ाई अभी ठंडी है, मैं भी हाथ लगा पा रही हूँ, इसी गर्म नहीं है, तो कढ़ाई गर्म होनी चाहिए एकदम से। कांदे डाल देते जैसे, तो उसको ब्राउन नहीं करेंगे, साथ ही मैं अभी चिकन भी ऐड कर देगा रमज़ान अंदर, ठीक है। इसको पकने के लिए कितना टाइम जाएगा? आधा घंटा जाएगा। ये स्टीम आज में स्लो से पकेगा, उसको घड़ी घड़ी हम मिक्स नहीं करेंगे। एक बार हमने डाल दिया, मिक्स कर दिया, और ऊपर से सिल्वर ऑयल से और प्लेट में डाल के ढक देंगे उसको अच्छे से हम, ठीक है। और ये अपने आधे घंटे में पकता रहेगा, जब बन जाएगा आधे घंटे में, जब खाना खाने बैठोगे तभी हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम ही है चंपारण चिकन। चलो अभी हम डालने जा रहे हैं चिकन। ये देखिए कांदा, देखिए हमने इसको ब्राउन नहीं किया है, ठीक है।
आप भी ट्राई करिए, काफ़ी अच्छा बनता है, यमी यमी। चंपारण चिकन, अगर आपको ट्राई करना रहेगा ना कभी चंपारण चिकन, तो बताऊंगी एक जगह से आप जाके लेके एक बार ट्राई करके खा सकते हो, फिर आप खुद भी बना सकते हो। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं कुछ थोड़ी सी हल्दी, साथ ही में ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, छोटे चार चम्मच, छोटे हैं बड़े चम्मच नहीं है, ठीक है। साथ ही में ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, ढाई चम्मच गरम मसाला डाल दिया हमने इसमें। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार आपको जितना पसंद हो, एक चम्मच, हाफ 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 हाफ, आधा चम्मच, दैट्स इट, क्योंकि नमक कम ही खाते हम तो भी। अब इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता, इसको भी अच्छे से मिक्स करके सिल्वर कॉइन से ढक के पकने देंगे। आप सोचते हैं कांदे सब दिख रहे हैं एकदम कच्चे हैं, पर आप जब बन जाएगा तभी आप देखना कांदे भी पूरे अच्छे से ये हो जाएंगे ब्राउन, चिकन भी दिखेंगे भी स्पाइस इतना अच्छा लगेगा, फिर कलर भी इतना अच्छा आता है, कुछ मत। मैंने हम बना रहे चंपारण चिकन जो हमने सी फूड से लाए थे। इसमें लहसुन अखा ही पड़ता है एक्चुअली, बट अखा मतलब पूरा वो बंच अखा का बुट्टी डाल देते, पर हमने साफ करके डलवाया है, ठीक है, हमने पूरा बुरी डाला खड़ा था। हाँ, चंपारण चिकन में 5 से 6 गोटी लहसुन की डाल देते अखी अखी ऐसे, ठीक है, पर हमने ज़्यादा डाला नहीं लहसुन। चल इसे भी ढक दिया है, ये भी आधे घंटे पकेगा। इसमें सिल्वर कोई लगाना बाकी लगाया नहीं है, 5 मिनट ढका है रमजान में, बाद में इसको ढक देंगे, ठीक है। चल सिल्वर कोई इसको लगाने की जरूरत है, ठीक है, पर 5 मिनट बाद, अभी नहीं, बता दूँ कैसे। हाय बोलो, हाय बोलो, मामा पापा, मामा पापा, व्हाट यू डूइंग, इधर भी छुबा छुबा है ना, कुना सबसे पहले नन किए है ना, छुबा छुबा नाइन नाइन सबसे पहले है ना, 9 o'clock को नन कर लिया था हमने। हटो मेरे सुन ना, हटो मेरे बादशाह, चलो हाँ हटो हटो, मामा देती हटो, अरे गिरोगे, रुको रुको, क्या करूँ क्या करूँ। अभी पापा ऐड कर रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर थोड़ी सी, ठीक है। पापा क्या बना रहे हैं, चिकन कुकरू, क्या बना रहे हैं, कुक बना रही हूँ, कुक खाऊंगी अब, ये राइस है, क्या है, राइस, हाँ राइस, आप खाओगी, ये कुछ तो पहले राइस पहन के भी पाओ। इसमें ऐड किया है पापा ने थोड़ा सा, हाँ जीरा पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर भी ऐड किया है, दिखने में बहुत यम्मी यम्मी लग रहा है ना चिक्कू, आज तो मजा आएगी, आज तो मजा आएगी। मामा को कुछ चाहिए, कुछ नहीं है, छू बच मामा छा गए, टंग वाला कुछ नहीं चाहिए मामा को, यही चाहिए टंग वाला, या भी नहीं चाहिए, दो दो दे दो। इसमें लगा रहे हैं सिल्वर कॉइन, अभी ये स्लो आंच में पकता रहेगा एकदम, इसे पूरा ढक देंगे सिल्वर कॉइन से भी अच्छे से, और इसे धीमी आंच पकने देंगे, स्लो गैस है हमारी एकदम, इसमें पकेगा अभी। चलो आधे घंटे के लिए भी इसको हम नहीं देखेंगे, ना ही हाथ लगाएंगे, आधे घंटे तक ये ऐसे ही रहेगा, ये राइस बन रहे बाजू में। चलिए आज तो मजा आने वाला है खाने में। मैं और कल रमजान गेम खेल रहे थे ये वाले, इसके अंदर हम बॉल डालेंगे, ये यहाँ पे रखा यहाँ पे, ठीक है, हमें वहाँ से इसके अंदर डालना है। कल रमजान हार गए थे, मैं 100 रुपये जीती हूँ और रमजान जीते सिर्फ 100 रुपये, तो हमारी 500 की शर्त लगी है, तो चलो खेलते हैं वापस से, किसका जाता है फर्स्ट, देखते हैं आज। मज़ा आई थी कल खेलने के लिए बहुत। ओ
चिक्कू ने डाल दिया हैप्पी। और ये लड़की हमको खेलने देती नहीं है। 500 रुपए का शर्त लगा है भाई, 300 तो मिल गए मुझे, 100 मिले थे उसको। और मैच में भी 200 रुपए हार गए रमजान, मतलब मैंने 500 रुपए जीत लिया पूरे और 200 बाकी, मतलब 700 रुपए मुझे मिले अगर मैंने पूरा कर दिया टास्क अपना। वाह मजा है। चलो चलो गाइस, जैसे कि आधा घंटा हो चुका है तो चलिए चेक करते हैं अभी चिकन रेडी हुआ कि नहीं। चलिए आपको क्लीन दिखाती हूँ, ऑलमोस्ट चिकन रेडी हो चुका है। जैसे कि चिकन रेडी हो चुका है, ये देखिए। हाँ मैं ना सोच चुके थे कोई ना, गल गया, चिकन गल चुका है, रमजान टेस्ट किया है, काफी अच्छा गल गया। अब इसमें हम गरम गरम पानी डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अगर ग्रेवी चाहिए तो, पर हमें ग्रेवी लगी कि हमने बनाए थे राइस और साथ में रोटी है, ऑब्वियसली थोड़ी ग्रेवी लगेगी। नहीं तो ये सूखा चिकन हम दो जन के लिए ठीक है, दो टाइम हो जाता हम दोनों को, बट ऐड करना पड़ेगा पानी। अभी से 10 मिनट के लिए हम और पका लेंगे। चिकन तो गल चुका है क्योंकि हमने गर्म पानी ऐड किया है इसके अंदर, ठीक है। चलिए चम्पा, चिकन में पानी ऐड नहीं होता है, वो ऐसे ही बनता है, बट हमने ऐड किया क्योंकि हमें खाना खाना है प्रॉपर, मतलब चावल रोटी है इसके लिए, तो वो रोटी के साथ ही खाया जाता है सिर्फ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी अपने स्टार्ट में बनाना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, चंपारण चिकन हमने कहाँ देखा था, कहाँ से लाए थे, हम लाए थे सी फूड से, हम सी फूड मॉल गए थे घूमने के लिए, फिर हमें भूख लगी तो हम ढूंढ रहे थे हम कुछ खाएँ, तो हमें देखा चंपारण चिकन, तो हमने सोचा कि चलो आज इसको भी ट्राई कर लेते हैं। उसने बनाने के लिए पूरा 1 घंटा लिया था हमसे, हमने 1 घंटा वेट किया था उसके लिए, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं ब्लॉग में, ठीक है। बट फिर हमने वो सोचा कि नहीं अभी हम बनाते, तो मैं जाके जब सूरत गुजरात गई थी सूरत से वो ले आई थी, तो मैंने नहीं अब इसमें हम बनाएंगे खुद ही, हम खुद ट्राई करेंगे। आधा घंटा जाता है एक्चुअली बनाने के लिए, मटन और चिकन कुछ भी, पर अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई करेगा सी फूड में चंपारण चिकन करके हैं, ठीक है। चंपारण चिकन रेडी हो चुका है एकदम, और क्या लग रहा है यमी, चलिए दिखाती हूँ आपको, देखोगे ऑसम। साथ ही में रोटियाँ भी ले आए हैं ये, अभी खाएंगे खाना चंपारण चिकन के साथ। चलिए हे गाइस, लंच हो चुका था डन, काफ़ी अच्छा चंपारण चिकन बना था, हमने खाया, चिक्कू को आई थी नींद इसके लिए फटाफट खाना पड़ा, अभी चिक्कू सो रही क्योंकि उसका सोने का टाइम हो गया है। चलो सबको बाय करो, शाम को मिलेंगे गार्डन में, ठीक है, चलो बाय। गाइस चाय हो चुकी थी, शाम हो गई है, बज रहे हैं 6:15, विनय जा रहा है रिटर्न पूना क्योंकि कल है उसका ऑफिस, तो उसकी पैकिंग हो गई है पूरी, रेडी हो रहा है वो भी। चीकू बाहर खेल रही है, अभी हम जा रहे हैं मार्केट, उसके बाद हम जाएंगे गार्डन घूमने, थोड़ा वॉक करके आएंगे। विनय अब तो कब आएगा बोलता है, पता नहीं मतलब क्या होता है, सुबह मैंने पहना था ब्लू कलर का, अब मैंने पहना है पिंक कलर का टॉप, सेम है मेरे पास दोनों भी, तो चलिए चलते हैं अभी पहाड़ पर। हाँ शे भाई भी जा रहे हैं, नए भाई भी है, पूछो तो नए भाई को, चलो पूछो दो, आए हाय, एक और दे दो, पूछो वन मोर भाई को, भाई कहाँ जा रहा है, ऑफ जा रहे हैं, पूछो दे दो फिर, चलो पूछो दे दो, हाँ शे भाई भी आएगा ऑफ, पूछी दो माथे पे भाई को, माथे पूछी दो, वेरी गुड, बी पाओ, आई हाय आई हाय। शे भाई शूज पहन रहे हो नीचे बैठ के गरीब जैसा, क्यों कहाँ जा रही है भाई, शायद ने भाई जा रहा है इसके लिए, उसको पकड़ के बैठी आराम से कि ने भाई जा रहा है, अभी ने भाई कब आएगा, नेक्स्ट वीकेंड, वो भी पक्का नहीं है। चलो जाते ही नीचे, चलो आप भी शूज़ पहनो, है शे भाई इधर ही है, शूज़ पहन रहा है, विनय रेडी है जाने के लिए, थोड़ा उसके बैग लेके, ये रहा विनय, विनय भी सामान लोड करेगा, और चीकू हमारी बाइक पे बैठना है, भाई के कितनी खुश है,
कि मैं बाइक के भाई पे बैठूंगी, भाई मुझे बाइक पे बिठाएगा। बैठो, हैप्पी भाई की गाड़ी बैठ गया था, ये भी चलाएगा, गाड़ी चलानी है मोती, मुझे बाइक चलानी है। कितनी खुश होती बाइक पे बैठ के। हाँ, हैंडल पे हाथ जा नहीं रहा। हैंडल पकड़ रही है, चला जूम जूम मचेली, जूम जूम। कहाँ जा रही बाइक के साथ? ऑफ जा रही बाइक के साथ। बाय मम्मा को बाय तो करो फिर, बाय चप्पल से, शूज से बाय करते हैं। चलो, रमजान भी गाड़ी लेके आ रहे हैं सामने से। ये आ गई हमारी कार, कार में बैठे हैं रमजान। चलो मैं बैठू यहाँ, मैं यहाँ बैठू, नहीं गई। इसको पैक करवाना सामान, बोलती मैं पैक करती सामान। पापा के साथ बैठेगा गाड़ी में, भाई को पूछे दे दो, नहीं भाई को पूछे दे के आओ, जाओ बी पा के आओ, हाँ जाओ, नहीं भाई को, भाई को पूछे दो, चलो हाँ, छः को भी दो, नए को भी दो, पूछा दो दोनों भाई को, दो भाई को पूछा, छः को देगा पहले पूछा, उसको दे, नहीं भाई को पूछे दो, अंग्रेज एक नंबर की। कितने आराम से बैठा है पीछे, किसी को तंग नहीं कर रहा मेरा बच्चा, सुबह भी बैठा था अभी बैठा है, आराम से है ना। अपन नूनो क्या है, आई लाइक टू ईट ईट एप नूनो। ने भाई किधर गए, ने भाई किधर गए, वहाँ स्कूल। हाँ स्कूटी पे गए, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, गार्डन जा रहे हैं, कौन लेके जा रहे हैं गार्डन हमको, जी के साथ कहाँ जा रहे हैं हम, गार्डन क्या खेलेंगे गार्डन में, कक। और क्या खेलेंगे गार्डन में, क्या खाएगा, क्या खाएगा, पप खाएगा, गार्डन में पप खाएगा। मेरा बॉय शर्ट, मेरा बॉय शर्ट, मेरा बच्चों की शर्ट। हे गाइस, मैं घर आ चुकी थी, घर पे आने के बाद अभी हम बना रहे हैं डिनर, मैं नहीं बना रहा डिनर, रमजान बना रहा है। क्या बना रहा है, दाल मेथी, दाल और मेथी मिक्स करके बना रहे हैं वो मेथी दाल, ठीक है। साथ में चावल दोपहर के हैं, चिकन भी है, पंचारण चिकन, मैं थोड़े से इंद्रायणी चावल रखे हैं बनाने के लिए, तो जैसे ही डिनर रेडी होगा मैं आपसे शेयर करूँगी। चिकू खेल रही है एज यूजुअल, मस्ती चालू है उसकी, विनय चला गया है अपना, घर खाली हो गया अगेन, तो चलो मिलती हूँ आपको। किस में बना रहे पता है दाल, एज बाबा को बहुत जोश आया है, उसी कढ़ाई को धो के फटा से चिकन भिगोल के उसमें दाल चढ़ा दी, दिखाओ। जब भी कोई बनाएगा ना पहले ये निकलेगा, मैंने अभी तक इसका ओपनिंग नहीं किया, मुझे एक्चुअली बनाने का था, पर ठीक है मैं इसमें मटर बनाऊंगी, ठीक है चलो मिलती हूँ। मेरे पति ने दाल बनाई तो मुझे बुलाया कि मेरी दाल देख मैंने क्या मस्त बनाई है, तो चलो देखते हैं मस्त दाल। हाँ जी, अभी धीरे धीरे पकी, मैंने अभी खा लूँगी, भूख लगी तो धीरे धीरे पकाऊंगी। ये शेफ नहीं चाहिए हमें, जो शेफ ऐसा चीज़ चुटकी भर खाना बन गया। अपने का भूख लगी, मतलब तुम क्या पंचायत कर रहे थे बंटिया, नहीं आप कुछ बोल रहे थे आप तुमको मत डालो उसमें, गाड़ी के लिए तुम पेल रहे थे चिकन को, मैंने दाली खराब कर रही थी, ये बंटिया लड़ा खराब कर रहा चिकन, उसमें नारियल पेल दिया सूखा, ये पंचारण चिकन का नारियल चिकन कर दिया, मतलब ना सच में इसके इनको मैं शेफ नहीं देती बनाने का। चलो अभी हम पंचारण के बन खाएंगे नारियल चिकन, ये था चंपारण चिकन जो बन गया अभी नारियल चिकन का पूरा।
चेंज कर दिया बंद दे ये अच्छा बनेगा तेरे को पता है ये दाल बन रही है पता नहीं कब भूख के मारे मेरी जान निकल रही है मुझे चरखे आ रहे हैं मुझ कर मिलेगा मुझको खाना चलो खाना बने तो मैं खाऊं फिर मैं सेऊं ठीक है मैं इधर थक गई मैंने कुछ काम नहीं किया पर मैं थक गई हे गाइस डिनर हो चुका था डन काफ़ी अच्छा बना था खाना चंपारण चिकन जो नारे वाला बना था वो भी यमी था दाल भी अच्छी बनी थी मेथी था वो भी अच्छा बनाया था रमजान ने खाना खा लिया क्योंकि अभी दो दिन मेड नहीं आने वाली तो हमने काम भी पूरा कर लिया किचन क्लीन कर दिया बर्तन घस लिए चीनी क्लोथ्स पहन के अभी चिकू सोने वाली है चिकू चलो सबको बाय बोलो से बाय गुड नाइट फैन स्पीड करके आई जाके रिमोट से इतना आपको पता है कि वहाँ पर रिमोट लगाया जाता है अच्छा चलो छोड़ दो वो चलो से गुड नाइट बाय बोलो बाय करो सबको पहले हाँ पहले बाय करो बाय गाइस आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मैं जल्दी न्यू वीडियो लाऊंगी आपके लिए बाय बाय टेक केयर गुड नाइट